सो द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है. मैं कुमारी रानी ना. हेलो बेटा. हाय एंड हाउ आर यू? आई एम गुड बट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन. व्हाट इज योर नेम? वंशिका. आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शेषित नामजी गर्ल्स स्कूल. वहाँ के टीचर्स का क्या बिहेवियर है आपके लिए? बहुत अच्छा. कैसे पढ़ाते हैं वहाँ पे? हमें डीपली समझाते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए. कैसा रिजल्ट रहता है? 100%. टीचर्स बच्चों को किस तरीके से बताते हैं? पढ़ने का कुछ टिप देते हैं? हाँ, जैसे टीचर्स हमें बताते हैं कि कभी भी इस चैप्टर को, क्वेश्चन आंसर्स को, किसी भी चीज़ को रट्टा मत लगाओ, उसको समझ के करो. या आप अपने आप से भी लिख सकते हैं अगर आपको ये चैप्टर पूरा क्लियरली आ गया तो. गुरुजी किस तरीके का बताते हैं? पढ़ने से पहले आपको क्या कुछ करना चाहिए? जैसे हमें पार्क में जाके, जैसे पार्क में फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, और जैसे बटरफ्लाइज होते हैं, उनको हमें देख के हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है. और पढ़ने से पहले हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए. गुरुजी ने बच्चों के खेलने के लिए जो खेल गांव बनाया हुआ है, वहाँ पे किस लेवल के ग्राउंड्स हैं? जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, किस टाइप के ग्राउंड्स हैं? नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, और हमारे स्कूल से बहुत बच्चे वहाँ पे गए हैं. नेशनल गोल्ड मेडल भी लाए हैं, ब्रॉन्ज भी लाए हैं, सिल्वर भी लाए हैं. आप कोई गेम खेलते हो? हाँ, मैं स्विमिंग में हूँ. आपने किस लेवल तक अभी गेम किया हुआ? अभी मैंने स्टार्ट ही किया है. कोच कैसे हैं वहाँ पे? किस तरीके से गाइडेंस देते हैं? किस तरीके का टिप देते हैं आपको कि आप इस लाइन में, इस गेम में आगे कैसे बढ़ो? हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं. जैसे पहले सबसे छोटा पुल हो, तो फिर उससे बड़ा, तो फिर उससे बड़ा, ताकि हमें धीरे धीरे समझ में आ जाए. कोच आपको बिल्कुल मोटिवेट करते हैं कि बेटा आपने इस तरीके से कोचिंग करनी है, इस तरीके से आपको टिप दिया जाता है कि इस तरीके से आप अगले जो आपके पार्टिसिपेटर हैं, जो आपके साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको किस तरीके से आप हरा सकते हो? हाँ, हमें सिखाते हैं. जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डाई मारनी होती है वाटर में, तो हमें वो टिप्स भी सिखाते हैं कि हम कैसे मार सकते हैं. और मीन्स हम अगर ये करेंगे तो हम डूब जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे, ऐसी टिप्स भी देते हैं. गुरुजी को आप मिस करते हो? बहुत ज़्यादा. आप क्या चाहते हो कि गुरुजी वापस आएँ? हाँ जी. किस आपको आज गुरुजी यहाँ पर नहीं है तो आपको कैसा फील होता है? अगर पिताजी यहाँ पर होते तो मैं और ज़्यादा अच्छा फील करती, क्योंकि पिताजी के हमें वो नहीं है कि पिताजी कहीं गए, हमारे दिल में है पिताजी, बस हमें ये पता. गुरुजी से आप कितने मोटिवेट होते हो? एक आप लड़की हो तो उस चीज़ को देखते हुए आप कितने मोटिवेट होते हो कि आपको ये लगता है कि गुरुजी को हमें यहाँ पे समाज में दोबारा से लाना चाहिए? मेरे तो यही अपील है कि पिताजी दोबारा से यहाँ पर आए, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाएं. गुरुजी ने क्या अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं अभी तक? जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, किसी रोते बच्चे को चुप कराना चाहिए, उसे हंसाना चाहिए. हमें बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं पिताजी ने. और आप सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि गुरुजी जल्द से जल्द वापस आ जाए? जो भी गुरुजी आप बच्चों को स्पेशल ट्रीट बताते हैं कि खेल गाँव में, कि हाँ हमें खेलने के लिए ये इस तरीके से करना चाहिए, बड़ों का सत्कार करना सिखाया, क्या यहाँ पे बेटा कोई स्पेशल धर्म को बताया जाता है कि आप इस धर्म के हो, इस धर्म को मानो? नहीं, ये नहीं बताया जाता. पिताजी कहते हैं आप किसी भी धर्म को, किसी आपका जो मन करे उस धर्म को मानो. हमें बस यही सिखाया जाता है, आपका जो मन करे उसी धर्म को मानो. या हम कोई जोर जबरदस्ती भेदभाव कोई नहीं बताते हैं. गुरुजी ये बताते हैं कि सभी धर्म एक समान है. हाँ जी जी. तो जैसे देख रहे हैं कि आज इस छोटी सी बच्ची ने, जो कि डेरा सच्चा सौदा में रहते हुए और डेरा के ही स्कूल शाह सतनाम जी गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हैं, जो कि खुद बता रहे हैं कि गुरुजी ने उन्हें इतना कुछ सिखाया है, इतनी कुछ अच्छी शिक्षाएं दी हैं, इस वजह से एक छोटी सी बच्ची जो अपना खुद व्यू देते हुए बता रही है कि गुरुजी वो चाहती है कि जल्द से जल्द वापस आएँ. प्लीज़ देखिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन.